भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज विशाखापट्टनम क्रिकेट मैदान में पहला T20 मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 127 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहद रोमांचक तरीके से 3 विकेट से जीत लिया। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की एक चालाकी ने पूरे मैच का रुख पलट दिया। इस मुकाबले में दर्शी शार्ट 37 रनों पर खेल रहे थे, उस समय महेंद्र सिंह धोनी ने DRC शॉट को रन आउट कर वापस पवेलियन भेजा। महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा DRC शॉट को रन आउट किया गया, यह रन आउट भी हद चालाकीपूर्ण रहा। धोनी ने DRC को रन आउट किया जबकि दूसरी ओर पीटर हेंडरसन खड़े थे और उनको भी रन आउट करने के लिए गेंद काफी तेजी से उमेश यादव की ओर फेंका, जिससे कोई एक बल्लेबाज निश्चित तौर पर आउट होकर वापस पवेलियन की ओर पहुंचे। धोनी की चालाकी मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए DRC शॉट को रन आउट होकर वापस पवेलियन की ओर जाना पड़ा।